टॉलीगंज क्लब में गत 24 से 30 दिसंबर तक जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। फोर्ट विलियम राइडिंग एंड पोलो इंस्टीट्यूट की सहभागिता के साथ आयोजित यह चैंपियनशिप 5 वर्षों के अंतराल के बाद पूर्वी भारत में आयोजित हो रही है। इस चैंपियनशिप में भारत के सभी राज्यों से आए घुड़सवार हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 200 से भी ज्यादा घुड़सवार इस चैंपियनशिप में शिरकत कर रहे हैं। 7 दिवसीय इस चैंपियनशिप में ड्रेसेज, शो जंपिंग, क्रॉस कंट्री एवं टेंट पेगिंग के साथ ही कई अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय सदस्य कर्नल पीपी सिंह ने बताया कि इस वर्ष जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे प्रतिभागी काफी प्रतिभावान हैं। पार्टिसिपेशन इस बार बेहतरीन किस्म की इसलिए है क्योंकि इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अब नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफिकेशन रख दिया। हर एक पार्टिसिपेंट को कम से कम 2 रीजनल इक्वेस्ट्रियन लीग जिसे कहते हैं उसमें 2 क्वालिफिकेशन चाहिए तभी जाके वो नेशनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके पिछले सालों तक 2017 का जो JNEC हुआ था उसमें तकरीबन कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था क्योंकि इतने ज़्यादा घोड़े नहीं होते और घुड़सवार ज़्यादा हैं, लेकिन उससे यह होता था कि 2-2 दिन रसा चल रहा है और थोड़ी ख़तरनाक राइडिंग भी हो जाती थी कई बार। लेकिन अब से जब से ये REL शुरू हुआ है और क्वालिफिकेशन बाद बच्चे आ रहे हैं तो जो क्वालिटी ऑफ राइडिंग है चाहे वो ड्रेसाज में हो चाहे वो शो जंपिंग में हो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है और जो हॉर्स फ्लैश है जो घोड़ों की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है और घुड़सवारी की क्वालिटी है वो भी बहुत इम्प्रूव हुई है। तो इस साल जो JNEC में बच्चे आए हैं बड़ी उम्दा राइडिंग के साथ आए हैं, हमें बड़ी खुशी है। 6 हिंदुस्तान में तकरीबन 5 से 7 साल की उम्र में घुड़सवारी करते हैं जबकि विदेशों में बच्चे 3 से 4 साल की उम्र में घुड़सवारी शुरू कर देते हैं क्योंकि ये बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है और ये कहना मुश्किल है कि कितना टाइम लगेगा घुड़सवारी सीखने में। कई लोग 2 घंटे में घोड़े जम के बैठना सीख जाते हैं, कई लोगों को 2 साल लगते हैं और कई लोग बिल्कुल कभी नहीं सीख पाते। ये एक एप्टीट्यूड की बात है, एक स्पोर्ट है, अगर आपका एप्टीट्यूड इसकी तरफ है तो जल्दी सीख जाएंगे, अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो कभी नहीं सीख पाएंगे। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है शौक और एक होता है टैलेंट। अच्छा घुड़सवार बनने के लिए इन दोनों की बराबर मात्रा होनी चाहिए, शौक और टैलेंट की बैलेंस। कई लोगों के पास शौक बहुत होता है लेकिन हुनर नहीं है, टैलेंट से हुनर कहते हैं। कई लोगों के पास हुनर होता है उनको शौक नहीं है। और तीसरी चीज़ कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, ना टाइम है ना पैसा है इस स्पोर्ट को खेलने के लिए। वहीं इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष ब्रिगेडियर GS पुरी ने कहा कि इंडियन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन द्वारा आयोजित होने वाली यह चैंपियनशिप एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह चैंपियनशिप इन तमाम प्रतिभागियों के कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। JNEC जैसे आपको इसका फुल फॉर्म है जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप, ये इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय घुड़सवारी संघ के सौजन्य से की जाती है और एक बहुत अहम इवेंट है क्योंकि इस इवेंट से हमें आने वाली पीढ़ी का पता चलता है क्योंकि यही बच्चे आगे जाके अभी जो यंग राइडर हैं वो तो सीनियर राइडर बनेंगे और ये भी पता चलता है कि कितना मजबूती इस गेम में हमारे बच्चों में आ रही है। तो इस साल तो REL यानी कि हमारा जो लीग है उसकी वजह से इतना अच्छा हुआ है कि बच्चे इतने अच्छे राउंड्स निकाल रहे हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात आप समझ सकते हैं कि EFI ने कितनी अहमियत दी है यहाँ पे कि सारे इंटरनेशनल जज इन बच्चों के लिए आए हैं और बड़े उच्च स्तर की कंपटीशन रही है और बहुत उच्च स्तर की जजिंग रही है। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि इस स्तर पर 50% घोड़े का काम है या मे बी 60% घोड़े का काम है। घोड़ा अच्छा हो तो एक नौसिखिए राइडर को भी पार ला सकता है, लेकिन जब ये स्तर बढ़ता है तो फिर घोड़े की अहमियत थोड़ी सी कम हो जाती है, राइडर की ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आप ये मानेंगे कि 35 किलोमीटर की रफ्तार से भागता हुआ एक घोड़ा जिसका अपना दिमाग है उसको 1.5 मिनट के टाइम में आपने 12 या 13 फेंसेस पे बिल्कुल सही लाना है, गलत लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी साल की मेहनत एक जंप गिरने से वॉश आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत कड़ी मेहनत है और इसमें गलती की गुंजाइश बड़ी कम है इस गेम में।